तो दोस्तों आज आपको हम दिखाएंगे हमने कौन कौन से हमने देसी जुगाड़ के लिए क्या क्या बनाया है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओए गाइस, आज हम दिखाएंगे आपको पहला जो है कि बाइसी पकड़ मशीन कैसे बनाए। तो इसको हम शुरू करते हैं कैसे बाइसी पकड़ मशीन घर पर अपने ऐसे बनाए। चलिए देखते हैं। इसके कुछ दो लंबे बांस और तीन साइकिल करिंग जो कि दो छोटे वाले और एक जो कि बड़ा वाला साइकिल करिंग ये तीन देख सकते हैं कैसे मैंने दिखाया है। अच्छा तीन रिंग और ऐसा एक जो है कि मतलब कोई भी मतलब फील के साथ मतलब इस बांस को छेदना है आर पार होल करना है ड्रिल करना है इसमें। तो हमारे पास ये है इसको हम यूज करेंगे। आप जो चाहे यूज कर सकते हैं ऐसे मतलब डंबल आपके पास जो भी डंबल हो वैसे आपके डंबल यूज कर सकते हैं वेट के लिए। ये इसमें जो कि होल है इसलिए हमारे लिए बहुत ही आसान है ये वाला। तो इसके बाद जो कि आपको चाहिए कम से कम ढाई मीटर रस्सी ढाई से तीन मीटर रस्सी और देखिए ऐसे ड्रिल करना है। आप जिससे चाहे उसे ड्रिल कर सकते हैं। मेरे पास यही मशीन है इसलिए मैं इसे ड्रिल कर रहा हूँ। इसको जो कि आपको तीन जगह ड्रिल करना है दोनों बांसों को लेकर ऐसे देखिए। ड्रिल करने के बाद जो कि ऐसे जो है कि इस रिंग को ऐसे छड़ के सहारे जो कि बैठाना है। देखिए फिर यहाँ पर ड्रिल कर रहे हैं फिर यहाँ पर ड्रिल करना है। ड्रिल करने के बाद देखिए ऐसे ऐसे ड्रिल हो रहा है और ये जो कि ड्रिल हो चुका है। देखिए ऐसे इसको जो कि बैठाना है। बैठाने के बाद जो कि इसमें छड़ डालने के बाद इसके बीच में जो है कि रिंग रहेगा साइकिल का और फिर इसको पार लाने के बाद फिर इस बांस में जो है कि फिर वही जो कि छड़ डालेंगे। अभी आपको दिखाते हैं। चलिए देखते रहिए वीडियो को बने रहिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। देखिए कैसे जो है कि इसको हम छेद रहे हैं आर पार कर रहे हैं होल कर रहे हैं ड्रिल कर रहे हैं। ये इतना आसान नहीं था लेकिन फिर भी हो गया है। आप चाहे तो किल के सहारे ड्रिल के सहारे बना सकते हैं। देखिए इसको ऐसे मतलब यहाँ से इसमें जो कि आर पार करना है और बीच में जो कि रिंग रहेगा इससे जो कि वो घूमेगा आराम से और आप आसानी से कर लेंगे। देखिए ऐसे हमने ड्रिल किया है और फिर एक छड़ यहाँ पर लगाएंगे। एक छड़ हो गया फिर एक छड़ यहाँ पर लगाएंगे। इस छड़ को लगाने के बाद जो है कि अब इसके बीच में जो रिंग डालेंगे। देखिए ये हो गया बीच में रिंग ऊपर बड़ा वाला रिंग रहेगा सबसे और बीच में जो कि छोटा रिंग रिंग रहेगा और फिर उससे नीचे जो कि आप जो चाहे वो रख सकते हैं लेकिन ऊपर जो कि बड़ा वाला रिंग रहेगा। देख सकते हैं ना ऊपर हमने बड़ा रिंग लगाया है नीचे छोटा रिंग बनाया है फिर वो भी छोटा रिंग है नीचे वाला भी लेकिन ऊपर जो कि बड़ा रिंग लगाना चाहिए नहीं तो आपको करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए अभी जो कि इस मिट्टी को खोदेंगे। मिट्टी खोदने के बाद जो कि इसमें जो कि उन बांसों को जो कि घास देंगे बाकायदे ऐसा मतलब कम से कम आप दो तीन फुट हाँ दो फुट कम से कम इसको घास दीजिएगा ताकि ये जो है कि हिल डुल ना और निकल ना इधर उधर ना हो नहीं तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए इसको मैंने ऐसे धंस दिया है जिससे कि मिट्टी के सारे इसको एकदम बाकायदा बैठा देंगे। आप चाहे तो सीमेंट डाल के बैठा सकते हैं बजट है तो बजट नहीं है तो आप सिर्फ मिट्टी डाल के बैठा सकते हैं। मिट्टी डालने के बाद जो कि इसमें ईंट डाल दीजिएगा फोड़ के ताकि वो सही से बैठ जाए या फिर आप चाहे तो लकड़ी जो कि लकड़ी का टुकड़ा उसको आप उसमें मार देंगे फिर भी वो बैठ जाएगा हिलेगा उलेगा नहीं। तो अभी इसको हम बैठा रहे हैं बैठ जाने दीजिए। अब देखिए इस डंबल को हम इस रस्सी में लगाएंगे। देखिए कैसे हमने लगा दिया है बीच में हम जो कि गांठ पार देंगे जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ अभी अभी यहाँ पर जो कि रस्सी का गांठ पार देंगे। देखिए हिले ना और गिरे ना ये कैसे नई गांठ पार रस्सी आप बांध भी सकते हैं। चलिए ऐसे बांधने के बाद जो कि वो देखिए निकलेगा नहीं और बिल्कुल आसान हो गया। अब देखिए सबसे पहले ऊपर से लेके जाएंगे बाएँ से दाहिने और फिर इसको दाहिने से बाएँ लाएंगे अंदर की तरफ दूसरे वाले रिंग को। अब तीसरे पर फिर बाएँ से ले जाएंगे दाहिने तीसरे रिंग को। देखिए ऐसे हमने सेट किया है इसको आप भी ऐसे ही सेट करेंगे। ये बहुत ही बेस्ट वर्कआउट है इससे आप जो कि बाइक बाइसेप मतलब बहुत सारी ट्रैप आप फोर आर्म्स वर्कआउट कर सकते हैं। चलिए कुछ खाते हैं इसको कैसे कैसे करना है। तो पहले देखें अपना ग्लव्स ग्लव्स पहनने के बाद वीडियो शूट करते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे पकड़ सकते हैं फिर ऐसे पकड़ सकते हैं आपके ऊपर है। देखिए ये बाइसेप के लिए मतलब ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा ये बाइसेप के लिए है बिग बाइसेप पंप बहुत जल्दी मतलब बहुत ही बेस्ट वर्कआउट है गाइस। ये जो कि मशीन बहुत ही अच्छी है। ये देखिए जो कि अब हम बाइक मार रहे हैं लेट्स पार्ट के लिए। देखिए हमारा बाइक बहुत जल्दी ट्रेन होता है। देखिए कैसे कैसे आप चाहें तो उधर वजन बढ़ा भी सकते हैं ये लेकिन हम लोग उतना सही है। देखिए लेट्स पार्ट बाइक के लिए देखिए अब मार रहे हैं फिर बाइक सॉरी बाइसेप। तो चलिए देखते हैं अगला टैक्स क्या है। तो अगला टैक्स ये जो कि बॉक्सिंग बैग है टायर के सहारे कैसे बनाए देख सकते हैं ऐसे बॉक्सिंग करना है। और अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे वो लास्ट बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है मेकिंग स्टार्ट। तो आपको चाहिए अगर आप चाहें तो ये जो कि लगा लेंगे तो टायर जो है गिरेगा नहीं बहुत दिन तक रुका रहेगा। ऐसे बांस के टुकड़े अगर आपको बांस है तो बांस ले सकते हैं मतलब बस टुकड़े बांस खड़े नहीं। ऐसे प्लास्टिक का रस्सी आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। एक हथौड़ा
और फिर ऐसा एक मजबूत रस्सी, मतलब दो रहेंगे। अब चाहे तो चार का यूज कर सकते हैं। देखिए इसको रखने, ऐसे रखने के बाद तो इसको एकदम रस्सी के सहारे बाकायदे एकदम बांध देंगे। सो देखते हैं कैसे कैसे बांधना है। अभी ये रख दिया हमने, तो इसको बांधना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक और रखेंगे और फिर वहाँ पर एक और रखेंगे उसके आगे, देख सकते हैं, फिर एक और रखेंगे। तो रखने के बाद जो कि इसको बांधेंगे वो प्लास्टिक रस्सी के सहारे। तो देखिए ऐसे रस्सी प्लास्टिक वाला है, जबको चौराहे पर जो कि 10 रुपये मिल जाएंगे। अब उसको जो कि ऐसे बांध देंगे, देखिए ऐसे हमने बांध दिया एकदम बाकायदा पूरा। इसको जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 कोने हैं, एकदम आपको बाकायदे बांध देना है। और ये मतलब आप चाहें तो ये जो बीच वाला बड़ा बड़ा है, आप चाहें तो दोनों बड़ा बड़ा रख सकते हैं। बड़ा रखेंगे तो फ़ायदा होगा, छोटा रखेंगे तो कोई बात नहीं है। हमारे पास यही था इसलिए हमने इसको ही बना दिया है, और मेरे पास एक ही बड़ा था मैंने इसलिए इसको बनाया है। तो इसको हमने अब बांध दिया कम्प्लीटली। तो अभी इसको हम दिखाएंगे इसको क्या करना है, इसको कैसे यूज जाएगा इसका। तो हो गया कम्प्लीट, अब दिखाना है इसको कैसे यूज करेंगे। इसको ऐसे रखने के बाद जो कि टायर सस्पल ऐसे रस्सी हिलाइएगा, एक उधर से और एक इस साइड से, ताकि उधर ना भागे। और अगर आपके पास जो है कि बड़ा बांस का टुकड़ा है तो बहुत ही बेस्ट है, आप बड़ा यूज़ कर सकते हैं, उतना बड़ा नहीं कि चक्के को बाहर निकल जाए। और इसको कि अब एक यहाँ पर भी मेरे पास रस्सियाँ कम थी इसलिए मैंने इस तरह लगाया। और आपके पास पैसे हैं, बजट है, तो आप दो रस्सी इस तरह से और ले सकते हैं। उसको लेने के बाद जो है कि आप इधर से हिलाएंगे और फिर इधर से भी, वो है कि बहुत मजबूत बन जाएगा। सो देखिए ऐसे हम इस पर टायर रखेंगे, क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल का टायर है ये। इस टायर को रखने पर जो है कि मतलब जितने के पास टायर है, मेरे पास तो फिलहाल 13 है, इसलिए हमने 13 को इस पर रख दिया है। तो रखते हैं पूरा, फिर अगला दिखाते हैं। तो देखिए अभी रख रहा हूँ, सो रखने वाले हैं, जल्दी हो जाएगा, मतलब मान लीजिए हो ही गया है। अब इसको जो कि रस्सी के सहारे जो हमने नीचे हिलाया था उस बांस के टुकड़ों में, अब उस रस्सी को जो है कि अब बांधेंगे, देखते हैं कैसे कैसे बांधना है। सो देखिए वो तो हमने दिखाया, लेकिन देखिए ऐसे ऐसे को बांधना है, एक उधर से हिलाना है और एक इधर से हिलाना है रस्सी, और फिर एक उधर से, फिर एक इधर से। अगर आपके पास, मैंने पहले ही बोल दिया, अगर आपके पास बजट है तो दो रस्सियाँ आप और ले सकते हैं, और दो और लेंगे तो बहुत ही बेस्ट होगा। उसको जो कि दो और लेंगे तो उसको बगल से, मतलब जहाँ से है वहाँ से दो और निकाल देंगे तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, फिर वो खुलेगा नहीं, फिर गिरेगा भी नहीं। इस तरह थोड़ा दिक्कत है, लेकिन हमारे पास बजट नहीं इसलिए हमने बस दो रस्सी का उपयोग किया है। तो इसको बांधते हैं और चलते हैं इसको। अब देखिए दूसरा रस्सी जो है कि इसको हम किसी, मतलब जैसे मारते हैं पुलअप वाली, मतलब कहीं भी, मतलब इसको लटका सकते हैं, घर में लटकाएं चाहे कहीं भी। अभी हम अपने देसी जिम में लटकाएंगे, तो इसको ऐसे खींच के, मतलब अकेले नहीं हो पाएगा, दो लोगों चाहिए इसके लिए। तो आप जो है कि ऐसे होकर अब इसको लटका देंगे। देखिए इसको कैसे कैसे हमने बांधा है, सॉरी वीडियो नहीं दिखा पाए, लेकिन इसको देखिए कैसे कैसे हमने बांधा है। ऐसे को बांध, मतलब कैसे भी बांध कर लटका देना है, लटक जाए आप जो कि बॉक्सिंग उस पर कर सकें। देखिए इसको मैंने ऐसे लटका दिया है, कहता हूँ पूरा इसका कैसे कैसे बना है। तो देख सकते हैं नीचे जो कि हमने लगाया था वो बांस के टुकड़े, वो है, ये बहुत ही रोकेंगे। और इसके ऊपर मतलब चारों तरफ घुमा घुमा दिखाते हैं कैमरा कैसे कैसे है, तो भाई कैमरा घुमाना शुरू करो। तो घुमाते हैं कैमरा, देखते हैं कैसे कैसे है, देख सकते हैं ऐसे ऐसे हमने बनाया है। मैंने बोला था ना अगर दूरा सी हो रहा तो बहुत ही बढ़िया है, इसको आप इधर से लगा देंगे क्योंकि इसको खुलेगा नहीं। सो ये हो गया है, अभी भी हम करेंगे बॉक्सिंग, पहले दिखाते हैं। हाँ ऊपर देख लीजिए, ऊपर ऐसा दिखेगा, और बगल से हमने दिखाया ही। अब इसको जो कि अब ये बन चुका है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो रस्सी रहेगा तो मस्त रहेगा। सो ये कम्प्लीट है, अब करते हैं अपना बॉक्सिंग स्टार्ट। सो दोस्तों देखिए बॉक्सिंग स्टार्ट हो गया है। हाँ आपको बता देता हूँ कि दोस्तों आपको ग्लव्स जरूर पहनना है, अगर आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो बहुत दर्द होगा, ठीक है, ग्लव्स जरूर लीजिए। तो हमारा अगला टैक्स है टी टेबल, मतलब अपने घर पर टी टेबल कैसे बनाए। कुछ लोग एक कपड़ा, एक पेन, एक जो कैची, और एक जो कि मतलब एक नहीं चाहती है फिफ्टी समझते होंगे गम वो चाहिए, एक रस्सी और एक जो कि कागज़ के टुकड़े गत्ते, और ऐसे एक डंबल, मतलब मेरे पास साइंस ने बना दिया है, इस डंबल के सहारे बनाया है ऐसा डंबल। और ये जो कि देख रहे हैं बैठने वाला, इसका वीडियो हम आपको दिखा देंगे। तो ऐसा चाहिए आपको एक पॉलिथीन नहीं है, मतलब ये हाँ पॉलिथीन ये समझ लीजिए, मतलब चट्टा है वो। सबसे पहले इसको नीचे ऐसे बांध देंगे, इसको नीचे बांधने के बाद जो है कि अब इसको काटेंगे, मतलब उसको जो कि जितना उसका साइज है उस साइज के हिसाब से इसको काटेंगे। इसको काटने के बाद जो है कि हम इस पर लगाएंगे ऐसे, और फिर इसको जो कि बांधना स्टार्ट करेंगे। तो हमने इससे कुछ गलती किया है, अगर आप चाहें तो जो कि बीच में रस्सी बना है इसके, मतलब ऐसा नहीं बांधें, इसको जो रस्सी जो कि फिर सारे इसको बगल बगल चिपका दें,
बीच में रस्सी न आने दें। देखिए हमने बीच में रस्सी ला दिया है, मैं आपको लिए बता दे रहा हूँ, बीच में रस्सी न आने दें, इसको बगल बगल से बांध के फेप फेप के सारे उसे चिपका दें, बीच में रस्सी न आने दें, वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। नीचे वाले कपड़े में लगा दें। अब देखिए इसको जो कि हम गत्ते को इस फेप फेप के सारे एकदम चिपका देंगे बकायदे, ताकि छोड़े ना, हिले ना, डूले ना। और अभी मेरे पास ये अभी प्रेजेंट टाइम पर है, बहुत ही बेस्ट है, इसमें अपना सारा यूज़ करते हैं, चाय पीना कुछ भी इसी पर करते हैं, तो इसको सटाने वाले सड़ जाएगा। तो अभी बीच में बाकी है, कहीं कहीं छोड़ दे रहा है, कुछ सुखा दे रहा है फिर से, और बस होने वाला, मान लीजिए फट गया, देखिए कितना बेस्ट, कितना साइनिश लग रहा है, देख सकते हैं कैसे कैसे हमने इसको बनाया है। अभी इसे यूज करके दिखाएंगे, यूज क्या करना है अभी कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो इसको देख सकते हैं, ऐसे आप कुछ भी आपके हिसाब से अपने कर सकते हैं। टी टेबल इसका नाम है, टी टेबल, कॉफ़ी टेबल, आप जो चाहे उसको रख सकते हैं। सो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, देखते हैं अगला टैक्स हमारा क्या है। तो अगला टैक्स अपना स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टैक्स। तो ये वाला जो कि मतलब बहुत सारे वर्कआउट है, मतलब मेन जो कि बैक वर्कआउट है, इसको बनाने के लिए आपके पास जो है कि बताते हैं वो क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए एक टायर, एक रस्सी और एक जो कि लकड़ी। ये भी जो कि सेम वर्कआउट है, मतलब मशीन है, आप इसको भी बना सकते हैं वैसे, जैसे मैंने कहा था, बस इसको जो कि रस्सी की जगह पर कुछ और रहेगा। ये देखिए डंबल जो है कि ईंट के सहारे बनाया है हमने, अभी ये देखकर बना सकते हैं, ये सिंपल है। सो बढ़ते हैं आगे, चलिए अब ये बना सकते हैं। सो अगला है ये देखिए बैक वर्कआउट, की ज़बरदस्त वर्कआउट है, इसके लिए आपको मैंने एक वीडियो बना के दिखाया है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इसमें भी देख सकते हैं मैंने इसको कैसे कैसे बनाया है, और झोले में डंबल भी। सो ये हमारा ट्राइसेप वर्कआउट है, इसके लिए आप चाहिए एक पुली, एक रस्सी और एक जो कि रॉड, और फिर एक टिन की बाल्टी जो कि रख सकते हैं। सो ये भी उस बनाना उसी तरह, बस वर्कआउट दूसरा है, ऐसे वर्कआउट मतलब कोई खास नहीं है, ये कोई खास वर्कआउट नहीं है, आप ये ना करें, बस बना लें, बहुत काम देगा, जो कि आउटर चेस्ट के काम देगा। अभी देखिए शोल्डर के लिए, शोल्डर वर्कआउट बहुत ही बेस्ट ज़बरदस्त वर्कआउट है, इसको भी हमने बनाना बताया है, वो मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वो देख सकते हैं, उस वीडियो में हमने इसको शोल्डर वर्कआउट को बनाना सिखाया है, आप वो बना सकते हैं। सो हमारा अगला देख सकते हैं, इस पर जो कि बहुत सारे वर्कआउट हम करते हैं, इसके लिए आपके चार मतलब बड़े बड़े जैसे चाहे वैसे चार खंभे, एक बड़े बनिया, फिर एक और बड़े बनिया, देख सकते हैं हम कैसे मारा है ट्राइसेप वर्कआउट, ये बहुत ही हार्ड है। सो इसको बना सकते हैं, और ये उसी जो कि अपर चेस्ट के लिए, अपर चेस्ट के लिए, लोअर चेस्ट के लिए, रनिंग के लिए, एब्स के लिए, ट्राइसेप के लिए, रनिंग के लिए, मतलब ये बहुत सारे वर्कआउट कर सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कैसे इसको बनाने में बहुत मन लगा है, प्लीज़ 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 शेयर माई वीडियो।